झारखंड के बोकारो जिले के चंदन क्यारी प्रखंड के चंडीपुर में जिला परिषद चेयरमैन के आवासीय कार्यालय पर श्रम विभाग द्वारा एक दिवसीय कैंप लगाकर मजदूरों का नियोजन किया गया। साथ ही वोटर कार्ड धारियों को साड़ी और पेंट शर्ट वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद चेयरमैन सुषमा देवी और कुसुम क्यारी पंचायत के मुखिया श्री वीरेन रजवार और श्रम विभाग के पद अधिकारी मौजूद रहे। HBR न्यूज की खास रिपोर्ट। आज चंदन क्यारी प्रखंड के माननीय अध्यक्ष जिला परिषद श्रीमती सुषमा देवी जी के आवासीय कार्यालय परिसर में श्रम विभाग बोकारो के द्वारा आज एक जागरूकता सह पैंट वस्त्र वितरण परिसंपत्ति वितरण सह ऑनलाइन निबंधन एवं ऑनलाइन आवेदन का अपलोड करने का एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष महोदया थी और जिला चंदन क्यारी प्रखंड के जितने भी जिला परिषद के सदस्यगण थे और स्थानीय मुखियागण उपस्थित थे और लगभग 450 महिला पुरुष श्रमिक रहे, जिनमें जिनका पहले से निबंधन था उन लोगों को पैंट शर्ट साड़ी योजना के तहत उन्हें पैंट पुरुष को पैंट शर्ट और महिलाओं को साड़ी का वितरण किया गया एवं जिन लोगों का निबंधन नहीं है उन लोगों का हम लोग ऑनलाइन निबंधन का कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। सबका फॉर्म कलेक्ट हो रहा है, सारे लोग अपना अपना निबंधन शुल्क संबंधित स्टेट बैंक के खाते में जमा करके रसीद लाके दे रहे हैं और जिनका पहले से निबंधन है उन लोगों के लाभ का आवेदन का हम लोग ऑनलाइन आज से अपलोड करने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी बिचौलिया किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो कैंप लगा है मजदूर का, किस चीज का ये कैंप है और श्रम विभाग का बोल रहे थे, देखिए मैडम जी क्या बोल रहे हैं। आज श्रम विभाग से यहाँ कैंप लगाया गया है, इसमें कुछ पहले जो निबंधन हुआ है उसमें साड़ी और वितरण है और जिसका नहीं हुआ है उसका जीवन कराना है। मेन उद्देश्य है जो गरीब में प्रमुख है सबका निबंधन और इसके बाद है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBR न्यूज़।